बेटा एक प्रॉब्लम है कि ये जो अल्फा चेन है ये 141 अमीनो एसिड्स का बना है। किसका बना है? ये जो आपके पास डायग्राम है ये हीमोग्लोबिन की, किसकी है? हीमोग्लोबिन की। टी के साथ कौन बनाएगा? ओके, जी के साथ कौन बनाएगा? ओके, ए के साथ कौन बनाएगा? हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अभी तक हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का जो बेसिक्स है वो पढ़ लिया। मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में आपसे कहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द व्हाई आर दे कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स व्हेन मेंडल हैज नथिंग टू डू विद देम? मेंडल हैज नथिंग टू डू विद दिस डिजीजेस। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। शाबाश एनीवन, आई एम रियली आस्किंग यू। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मैंने कहा था इनका मेंडल से डायरेक्टली कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इसी तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे मेंडल के ट्रेट्स करते थे। मेंडल के ट्रेट्स 1901 में रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल ने कहा था, राइट, किस तरह से टॉलनेस ड्वार्फनेस आगे ट्रांसमिट हो रहा था, इनहेरिट हो रहा था। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी रिसेंटली पढ़ा है। नाउ उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये डिजीजेस इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सब के सब उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, यानी उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था दे कैन बी ऑटोसोमल, दिस डिजीज कैन बी ऑटोसोमल। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने कहा था कि इनको निकाला गया था डिस्कवर करके 1902 में, यानी मेंडल्स के रिडिस्कवरी के फौरन ही बाद, राइट। सो मैं आपसे ये कह चुका हूँ दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोसोमल, हालांकि इट्स अ ब्रीफ रिकैप्चुलेशन, इजंट इट। मैंने कहा था दे कैन बी एक्स लिंकर्ड, मैंने ये भी कहा था कि दे कैन बी वाई लिंकर्ड। चलो इस डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स इन बिट डिटेल। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आज मैं हीमोफीलिया पे ही रहना चाहूँगा, राइट। ओके, सो हीमोफीलिया पे ही रहना चाहेंगे, सॉरी सिकल सेल एनीमिया, नॉट हीमोफीलिया। सो चलो सिकल सेल एनीमिया पे ही रहेंगे आज के इस लेक्चर के लिए। किसी बीमारी को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट तरीका होता है उसका नाम जान लो पहले। शेक्सपियर ने ऐसे ही कहा था, व्हाट्स देयर इन नेम, बट देयर इज मेनी थिंग्स देयर आर इन नेम, वेरी मच हिंट्स आर देयर इन नेम। ओके, एनीमिया, मैंने पहले भी कहा आपसे एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाट? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज, क्लियर है? ओके, हाउ मेनी आरबीसी शुड बी देयर प्रेजेंट? ओके ओके, यस, मैंने कहा था एक फिगर आपको मैंने दिया था 280 मिलियन के आसपास होना चाहिए इसका रेंज, राइट, ओके, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ द प्रॉब्लम इज अगर ये इस नंबर से कम हो गया, राइट, सॉरी 5.5, हाउ कैन आई बी दैट मच रॉन्ग? How can I be that much wrong? What am I saying? Okay. So it is 5 to 5.5 million. Right? Isn't it? Yes, sir. Okay. Now, अगर इस नंबर से कम हो गया RBC का नंबर, तो इसका मतलब ये एनीमिया है। But right now, I am going to talk about, या I am talking about a particular type of anemia, जिसमें RBCs जो हैं, RBCs की पहले शेप चेंज होगी and therefore RBCs later on damage हो जाएंगे, right? RBC का अपना शेप क्या है? शाबाश, can anyone tell me? Mammals RBC, शाबाश, 11th में हम पढ़ते हैं mammals की RBC होती है biconcave, enucleated, isn't it? Okay, here is RBC which is biconcave, oval and biconcave. मगर यहाँ पर problem ये है, RBC becomes sickle shaped. What is sickle? सिकल क्या है बेटा? कौन सा? इट इज जस्ट लाइक दिस। कोई मुझे बोलेगा द्रांति, ये उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? मैं पहले ही बोल चुका हूं द्रांति, या द्रांति,
ओके, यूज्ड इन द एग्रीकल्चर. ओके, सो इस सिकल की तरह आरबीसीज लगते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कहाँ जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और कहाँ हम डिजीज पे डायरेक्टली आ गए. व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया विद व्हाट, विद जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है, राइट. तो चलें थोड़ा सा इसको इसके डिटेल में जाएंगे. पहले इसका एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट लेंगे, ये क्या है सिकल सेल एनीमिया, क्या है. अभी हमने सिर्फ नाम का पोस्टमार्टम किया ना, इसके नाम का पोस्टमार्टम किया. अब चलो बाकी चीजें देखते हैं. सिकल सेल एनीमिया एज पर योर बुक सेज इट इज एन ऑटोसोमल, अभी मैं बोल चुका हूं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. व्हाट इज इट, रिसेसिव डिसऑर्डर. थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी का पेज देखेंगे, उसमें एग्जैक्टली ये चीज लिखी होगी कि ऑटोसोमल है और लिखा होगा ये रिसेसिव है. ओके, टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, मैं आपको बता दूं कुछ पब्लिकेशंस या कुछ वर्कर्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ वर्कर्स ऐसा कहते हैं, कुछ पब्लिकेशंस ऐसा कहती हैं कि असल में कम्प्लीटली रिसेसिव नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है. बट जो भी हो हमारी बला से हम तो ये मानेंगे कि क्या है रिसेसिव. ओके, रिसेसिव क्या है थोड़ी देर बाद समझेंगे. बट ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोमल का मतलब होता है इट इज कॉज्ड बाय, it caused is caused by a defect in gene, it's caused by a defect in a gene. और किस जीन में डिफेक्ट है, that gene, वो वाला जीन जो बनाता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. और मुझे बताइए इस जीन की लोकेशन क्या है, कहां पर है. पहले ही बोल चुका हूं ऑटोसोमल है, मैं ऑटोसोमल की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. ये जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, एक जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और वो जीन रिप्रेजेंट करता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बनाने का प्रोसेस. तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सारा प्रॉब्लम एक क्रोमोसोम नंबर 11 से आया है, एंड क्रोमोसोम नंबर 11 सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये ऑटोसोम है. दैट्स व्हाई वी से इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अब रिसेसिव क्यों, थोड़ी देर बाद वो समझेंगे. मगर आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था रिसेसिव और डोमिनेंट के बारे में, मैंने कहा था रिसेसिव डिजीज हमेशा वो होती है जो हिट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगी, राइट. थोड़ी देर बाद उसको समझेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाए, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्या है. तो यहां पर बात आई बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की. किसकी बात आई, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. जब हमें हीमोग्लोबिन ही नहीं पता तो बीटा चेन का क्या करेंगे. तो अब क्या करेंगे, पहले हीमोग्लोबिन को समझेंगे. ब्रीफ, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें हीमोग्लोबिन को समझने के लिए, फाइन. ओके, थोड़ा सा आप वेट करें, राइट. और हमें चाहिए एक इमेज. ओके, ये जो आपके पास डायग्राम है ये हीमोग्लोबिन की, किसकी है, हीमोग्लोबिन की डायग्राम है. क्लियर है, ओके. नाउ ये आपके पास हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन दो मेन कंपोनेंट्स का बना होता है. टू मेन कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ द हीमोग्लोबिन. नंबर वन कंपोनेंट इज हीम. व्हाट इज हीम, इट्स एन आयरन कंटेनिंग पार्ट, आयरन कंटेनिंग पार्ट. ओके, there are particularly four pyrrole rings, that is a porphyrin, there is a porphyrin. मगर फिलहाल मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलबत्ता इतना बताऊंगा कि यहां पर चार आयरन एटम्स होते हैं, राइट. चार एटम्स होते हैं आयरन के, राइट, और चार porphyrins होते हैं, क्लियर. तो इस तरह से आयरन का बना हुआ ये कंपाउंड है. और इसका अगर प्रॉपर आइडिया आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कंपाउंड है. सो हीम जो है दैट इज एन आयरन कंटेनिंग पार्ट. पर मेरा केस इस वक्त आयरन कंटेनिंग पार्ट को लेकर के नहीं है, मैं इस वक्त आयरन कंटेनिंग पार्ट को लेकर के टेंशन में नहीं हूं, बल्कि मुझे इस वक्त बात करनी है दूसरे कंपोनेंट के बारे में, एंड दैट इज द ग्लोबिन पार्ट. एंड व्हाट इज ग्लोबिन पार्ट, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट.
ओके, हीमोग्लोबिन चार ऐसे प्रोटीन चेन से बनता है जिनको हम कैटेगराइज करते हैं टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स में। सो प्रोटीन पार्ट में दो अल्फा चेन्स हैं। व्हाट इज एन अल्फा चेन? इट इज नथिंग बट अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज नथिंग बट अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड पॉलीपेप्टाइड के बारे में हम 10th में 11th में कहां कहां नहीं पढ़ते है ना। ओके, सो इट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन, देयर आर टू अल्फा चेन्स एंड देयर आर टू बीटा चेन्स, टू बीटा चेन्स। क्लियर है ना? ओके, नाउ इसका मतलब अगर मैं यहां पर वो अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स बनाऊंगा, आई विल नॉट बी स्पेसिफिक पर थोड़ा सा सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन, ये अल्फा चेन मानते हैं और इसे मानते हैं दूसरा अल्फा चेन, इसे मानते हैं बीटा चेन और इसे मानते हैं दूसरा बीटा चेन। बेटा एक प्रॉब्लम है कि ये जो अल्फा चेन है ये 141 अमीनो एसिड्स का बना है। किसका बना है? 141 अमीनो एसिड्स। एंड दूसरा अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड्स और बीटा चेन बना होता है 146 शाबाश अमीनो एसिड्स। 146। आपको अक्सर बुक्स देंगी एक कॉन्सेप्ट दैट सिकल सेल एनीमिया इज अ शाबाश क्वालिटेटिव या किन क्वांटिटेटिव, इट्स अ शाबाश क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, दैट इज इट्स अ डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन नॉट द क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है बेटा, ये जो बीटा चेन है ना, बीटा चेन याद रखो, बीटा चेन के 146 अमीनो एसिड्स, ऑल 146 अमीनो एसिड्स आर फाइन, नो प्रॉब्लम एंड सीक्वेंस फाइन। सिर्फ एक जो सिक्स अमीनो एसिड है उस जगह पर होता है यूजुअली ग्लूटामिक एसिड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। या होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड है 146 + 146 + 141 + 141, इतने अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड का पोजीशन चेंज होता है एंड इस तरह से पूरा आरबीसी डैमेज। पूरा आरबीसी क्या होता है? डैमेज। यहां पर मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया था, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है एंड ये जो ब्लू कलर का आपको चेन दिख रहा है ये बीटा चेन दिखा रहा है। ओके, यहां पर एक और हीम पार्ट और इस हीम पार्ट में फॉर एग्जांपल यहां पर एक पायरो पोरफायरिन है और पोरफायरिन में एक अल्फा चेन, यहां पर एक अल्फा चेन और यहां पर एक बीटा चेन। सो हीम पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आयरन कंटेनिंग पार्ट्स जिसका इस वक्त हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर जो ये चेन्स हैं ब्लू कलर की, ये दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स हैं। अब ये अल्फा चेन्स आर ऑल राइट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बीटा चेन में गड़बड़ है। बोलिए बीटा चेन में गड़बड़ आया क्यों? वापस जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, ये देखते हैं ये प्रोटीन आता कहां से है। प्रोटीन कहां से आता है? अगर आपने बॉटनी में पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, आपको पता है सारा प्रोटीन जो बनाना हो उसका फितना किसके पास होता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है बेटा? डीएनए के पास होता है कि नहीं होता? ओके, चलो यहां पर लाते हैं डीएनए फटाफट से, राइट, यहां से फटाफट से लाते हैं डीएनए। ये हमारा डीएनए है। ओके, ये हमारा डीएनए, फाइन। इस डीएनए में क्या है? इस डीएनए पे कोडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ, टू हैव अ क्विक रिकैप, इसमें कोडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ साइटोसिन ग्वानिन एडिनिन थायमिन। ये कोडिंग है और इस कोडिंग में फॉर एग्जांपल ये तो चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं और न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जो सीक्वेंस होता है इसी सीक्वेंस पे लिखी होती है इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन की। इसका मतलब हमारे पास जो प्रोटीन बनाना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस मॉलिक्यूल पे है जिस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? डीएनए। और इस पर क्या लिखी होती है? इस पर लिखी होती है एक प्रोटीन बनाने के लिए सीक्वेंस। क्या लिखी होती है बेटा? सीक्वेंस। और ये अपनी सीक्वेंस को कॉपी कर लेता है ऑन ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल और उस सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए पे लिखे होते हैं कोड्स बहुत सारे और उन कोड्स के आधार पे बनता है एक प्रोटीन। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एमआरएनए रेस्पॉन्सिबल है?
और उस mRNA पर इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? DNA रेस्पॉन्सिबल है। तो कोई भी जो भी गलती प्रोटीन से हो जाएगी उसका किया दरा किसके सर चढ़ेगा बेटा? इसी के सर चढ़ेगा ना। इसका मतलब फिर डिफेक्ट कहां पर है? DNA पर डिफेक्ट है। इसीलिए DNA ने ये सब नहीं होने दिया, यानी इसीलिए DNA ने जो mRNA बनाया उसमें डिफेक्ट था और mRNA जो बीटा चेन बनाया उसमें डिफेक्ट था। इतने से डिफेक्ट से क्या होता है? इतने से डिफेक्ट से जो RBCs हैं वो सिकल सेल हो जाती हैं और उस तरह से वो माइक्रो जो वेसल्स होती हैं, जो बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, उनको ब्लॉक करती हैं। एंड दिस डिजीज इट कॉजेज द हार्ट अटैक, इट कॉजेज द पर्टिकुलर स्ट्रोक एंड ऑल, एंड इट कॉजेज सडन डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग दिस डिजीज। मर ये बॉर्न, ये इनबॉर्न डिजीज है या जिसको बोलेंगे जेनेटिक डिजीज है, ये बच्चे को जन्म से ही पैदा ये साथ में होती है। ओके सो चलो इस डिफेक्ट को देखेंगे। आपके अगर एनसीईआरटी पे देखेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी को टच कर लें और एनसीईआरटी का देखें कि वो क्या हमें इस बारे में बताता है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का एक पेज है जो आपको दिख रहा है और जो आपने कभी नहीं देखा बेटा, है ना। एनसीईआरटी कभी खोलते हो घर में? कब? साल में एक बार? ओके देखो बेटा, एनसीईआरटी घर में पढ़ा करो और एनसीईआरटी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले बताए इट्स एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, क्लियर है ना? यस सर। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसमें कोई शक ही नहीं। ओके, व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द जीन और हिट्रोजाइगस, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हम पढ़ेंगे, दोनों कैरियर होंगे, दोनों डिफेक्टेड होंगे या दोनों नॉर्मल होंगे तो क्या होगा। डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS, राइट। इसका मतलब देखिए, अभी मैं आपसे कह चुका हूं कि यहां पर अगर आपको बनवाना है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसके लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज HBB, राइट। HBB उसको ऐसे भी लिखते हैं HBB। अगर ये डिफेक्टेड है तो फिर इसको लिखते हैं ऐसे, HB विद सिकल सेल एनीमिया, और अगर ये नॉर्मल है तो ये HBA, यानी HB नॉर्मल। ओके, ये ऑटोसोमल अलील है और ये फॉर एग्जांपल जिसको बोलेंगे ऑटोसोमल अलील्स है दोनों और ये ऑटोसोमल जीन्स है दोनों, ये नॉर्मल है और ये सिकल सेल्ड है, क्लियर। देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जब एक आपके पास हर जीन की कितनी कॉपीज होती हैं, हर एक जीन की कितनी कॉपीज है आपके पास? दो कॉपीज है कि नहीं है? मैं आपसे कह चुका हूं कि हर एक जो आपके पास जीन है उसकी कितनी कॉपीज है, एक्सेप्ट फ्यू जो मैं कह चुका हूं वाई लिंकड जीन्स है, राइट, या ओनली एक्स लिंकड जीन्स है 1571, बता चुका हूं। नाउ इसका मतलब ये है, अब यहां पर कंडीशन है, अगर एक इंसान में HBA और HBA है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन बीटा चेन बनाने वाले दोनों एलील्स नॉर्मल हैं या इतना नॉर्मल, ये तो नॉर्मल होगा। अच्छा, अगर किसी के पास HBA विद HBS है, यानी एक अलील नॉर्मल है एक अलील सिकल सेल्ड है, तो ये होगा बेटा ईशा, ये ऑटो, ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है? यहां पर मैं वापस आऊंगा रिसेसिव डोमिनेंट पे। अगर डिजीज रिसेसिव है, इसको बोलते हैं हिट्रोजाइगस कंडीशन, जब एक नॉर्मल है एक डिफेक्टेड है। अब हम देखेंगे यहां पे एक्सप्रेस कौन होगा, डिजीज वाला एक्सप्रेस होगा ना? डिजीज वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि डिजीज वाला तो रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा साइलेंट कैरियर फॉर द डिजीज, ये बंदा होगा साइलेंट कैरियर फॉर द डिजीज, ये डिजीजेड नहीं होगा। अच्छा, अब अगर किसी के पास है HBS, यानी दोनों एलील्स क्या है, डिफेक्टेड, इसको बीमार होने से कोई बचाएगा? ये बीमार है, ओके खत्म, ये है बेटा डिफेक्टेड पर्सन, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ थ्री पॉसिबल जीनोटाइप्स होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS, ये वाला कंडीशन जो मैं यहां समझा चुका, ओके शोज द डिजीज फिनोटाइप, क्लियर है। और ये लकी नहीं होता, ये जल्दी मर जाता है इवन बिफोर अटेनिंग द जिसको बोलेंगे एडल्ट लाइफ। ओके, नाउ हिट्रोजाइगस अगर कंडीशन है, एक नॉर्मल एलील एक डिफेक्टेड एलील, तो यहां पर ये अपेरेंटली अनइफेक्टेड है, यानी ऐसा लगेगा इसको कोई इफेक्ट नहीं है, मगर अंदर ही अंदर ये डिजीज पाले हुए है, इट्स कॉल्ड साइलेंट कैरियर।
अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर बाकी हम देखेंगे, देयर इज 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन, यानी अगर ये फॉर एग्जांपल कैरियर पेशेंट पे कैरियर है इस डिजीज का, तो 50% अपने बच्चों में ये डिजीज को ट्रांसमिट करेगा। ओके, असल में मुझे आपको ये लाइन टू लाइन नहीं बोलना था, मुझे असल में आपको ये बोलना है, चलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, यहाँ आप देखें ये जो इसने बनाया है ना, ये इसने बनाया है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। बोलिए पहला क्या है, वैलिन, दूसरा अमाइनो एसिड हिस्टोडीन, तीसरा अमाइनो एसिड ल्यूसीन, नेक्स्ट वन थ्रियोनिन, नेक्स्ट वन प्रोलीन, एंड सिक्स्थ वन इज ग्लूटामेट, सिक्स्थ वन इज मर। अब डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, डिफेक्ट में प्रॉब्लम होता है कि यहां पर सिक्स्थ पे आता है वैलिन, इसका मतलब ओनली वन अमाइनो एसिड वैलिन इज रिप्लेसिंग द ग्लूटामिक एसिड। इतना छोटा सा मसला है कि एक अमाइनो एसिड इतने सारे अमाइनो एसिड्स में बिगड़ गया तो यह पूरा का पूरा चेंज हो गया और खराब हो गया। चलो थोड़ा सा जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं इसका, थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं इसका। चलो डीएनए को मैं यहां पे बनाऊंगा, थोड़ा सा डीएनए बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, राइट, यहां पर मैं एक डीएनए सीक्वेंस बनाने वाला हूं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड होता है, शाबाश। चलो यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। न्यूक्लियोटाइड्स जिस सीक्वेंस में होंगे, ये सीक्वेंस अपने आप में एक इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं। चलो यहां पर देखेंगे, सीक्वेंस है जीटीजी, ओके, उसके बाद है सीएसी, ओके, उसके बाद होगा सीटीजी, ओके, उसके बाद होगा ए सी टी। अच्छा ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये सच में इसका सीक्वेंस है, ठीक है, ओके। नाउ देयर इज सी सी टी, ओके, नाउ देयर इज जी ए जी, एंड नाउ देयर इज अनदर जी ए जी। देखो डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स है बेटा, आज 11th का पूरा ये जो है ना बायोकेमिस्ट्री पूरा रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर के। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, पहला वाला जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, दूसरा वाला लैगिंग स्ट्रैंड है, और यहां पर आपको पता है जो पहले स्ट्रैंड पे सीक्वेंस होती है, दूसरे सीक्वेंस पे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। इसका मतलब अगर यहां पे जी है तो यहां क्या होगा, सी, यहां क्या होगा, टी की जगह पर ए, और जी के साथ किसने बॉन्डिंग बनाई होती है, सी, और सी के साथ कौन बॉन्डिंग बनाता है, ए के साथ कौन बनाता है, और सी के साथ कौन बनाता है, ओके, नाउ देयर इज सी, उसके साथ कौन बनाएगा, टी के साथ कौन बनाएगा, ओके, जी के साथ कौन बनाएगा, ओके, ए के साथ कौन बनाएगा, ओके, सी के साथ कौन बनाएगा, जी, टी के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, सी के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, और जी के सी के साथ, ये अनदर सी है, जी है, ओके, और टी के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, ए, और जी के साथ कौन बनाता है, ए के साथ कौन बनाता है, जी के साथ कौन बनाता है, विद जी सी, विद ए टी, विद जी सी। ये बन गया आपके डीएनए का सीक्वेंस। अब ये डीएनए क्या करेगा बेटा, ये बनाएगा अपना एमआरएनए, क्या बनाएगा, एमआरएनए पे कौन सा सीक्वेंस कॉपी होगा, डर गए, लीडिंग स्ट्रैंड की लैगिंग स्ट्रैंड, लेट मी टेल यू, यहां पर मैं पेन का कलर चेंज करूंगा सो दैट आपको कुछ मजा भी आ जाए, ठीक है, ओके। नाउ बेटा यहां पर ये कॉपी होगा ना, पूरा कॉपी कैसे होगा बेटा, ये यहां पर कौन सा कोडॉन है आपको याद रखना है, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा बॉटनी में बेटा, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस जब आपस में मिलते हैं तो इनको बोलते हैं हम ट्रिपलेट कोडॉन, क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक बोल रहा हूं बेटा, 11th का बता रहा हूं। सो ये ट्रिपलेट कोडॉन है, और हर एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एन एमाइनो एसिड, क्या बताता है, इसका मतलब जब आपका राइबोसोम पढ़ेगा ना इस कोडॉन को, ये कोडॉन आपके राइबोसोम को बोलेगा कि पहला एमाइनो एसिड आपको कौन लाना है, पर पहले कोडॉन तो बन जाए,
ओके सो चलो हम देखते हैं एमआरएनए पे कोडॉन क्या बनेगा। ये हमारा मैसेंजर आरएनए और ये बन गया हमारा कोडॉन। यहां पर सी की जगह पर कौन आएगा? जी। ए की जगह पर कौन आएगा? टी। कौन बोल रहा है? एमआरएनए पे टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। यहां कौन आएगा? यू। और यहां कौन आएगा? व्हाट इज द सीक्वेंस? कोडॉन क्या बन गया? जी यू। वेट करो, अब यहां पे बनाओ कोडॉन सी ए सी। अब यहां पे बनाओ कोडॉन सी यू जी। अब यहां पे बनाओ कोडॉन ए सी यू। यहां पे बनाओ कोडॉन सी सी यू। यहां पे बनाओ कोडॉन जी ए जी। यहां पे बनाओ कोडॉन, शर्म करो, अभी भी एबीसीडी पढ़ रहे हो। ओके सुनो, अब देखो क्या है, थोड़ा सा और सबर, हम देखेंगे होगा क्या। ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में ये जीयूजी जो है ये बनाएगा पहला अमीनो एसिड, एंड दैट इज वैलिन। अभी आपने देखा ना एनसीईआरटी में, वैलिन। अच्छा, दूसरा कोडॉन क्या बन गया? ओके, ये क्या बनाएगा? हिस्टडीन। ओके, और तीसरा कोडॉन है सीयूजी। ये किस अमीनो एसिड का कोडॉन है? ये है ल्यूसीन। ओके, ए सी यू कौन से अमीनो एसिड का कोडॉन है? थ्रियोनीन। ओके, सी सी यू कौन से? शाबाश, इट इज प्रोलीन। शाबाश, मुझे बताइए जी ए जी किसका कोडॉन है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट, और ये किसका है? ये भी यही है ना। ओके, तो ये भी क्या करेगा? रिप्रेजेंट ग्लूटामेट। ओके, अब देखो नेचर में कितनी छोटी जो मिस्टेक होती है, नेचर से मिस्टेक नहीं होती, अलबत्ता ये चीज होती है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हम बोलते ना 19-20 का फर्क। देखो 19-20 का फर्क क्या है? 19-20 का फर्क यहां पर ये होता है, ये जो यहां पर ये कोडॉन नंबर 1 है, ये कोडॉन नंबर 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये क्या है? इस कोडॉन नंबर 6 में ये एडेनिन रिप्लेस होता है विद थायमिन। अब यही चेंज होगा क्या? ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी चेंज होगा। यहां पर क्या आएगा? और अगर यहां पर ए आ गया, मुझे बताओ इस सीक्वेंस में यहां ए की जगह पर क्या आएगा? यहां यू आएगा। तो यहां पर कोडॉन बनना था जीएजी, बन गया जीयूजी। बेटा ये खुद बोल